हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने प्रिपरेशन को हमारे साथ मिलकर के अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अपने प्रिपरेशन में चार चांद लगा लें, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको रटाया नहीं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाता है। साथियों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर लाया हूँ 12th अकाउंट से कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल के टॉपिक को। आज की इस वीडियो से आप अपने दिमाग में गुडविल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि गुडविल की कॉन्सेप्ट कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए, बेसिकली क्या है आपको समझना है, ख्याति की अवधारणाएं किस तरह की होती है, किस तरह से ख्याति काम करती है। तो ख्याति की तीन अवधारणाएं होती हैं साथियों। ख्याति की तीन अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, तो आपको ऐसे फ्लो चार्ट बना लेना है एग्जाम में जाकर के। और जब आप ऐसा फ्लो चार्ट बना लेंगे तो आपका क्या होगा, आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको। ठीक है, पहले नंबर पर आता है लेखांकन अवधारणा, जिसे आप अंग्रेजी में कहेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ओके गाइस, क्या कहेंगे आप, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहेंगे। दूसरी होती है साथियों आपकी आर्थिक अवधारणा। ठीक है, आर्थिक अवधारणा जिसको आप कहेंगे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ठीक है साथियों, और तीसरी होती है आपकी कानूनी अवधारणा, यानी कि जिसको कहेंगे आप लीगल कॉन्सेप्ट। ओके साथियों, पहली हो गई, पहली तो हो गई आपकी लेखांकन अवधारणा, जिसको आप क्या कहेंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है साथियों, दूसरी हो गई आपकी आर्थिक अवधारणा, जिसको कहेंगे आप इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। और तीसरी हो गई आपकी कानूनी अवधारणा, जिसको आप कहेंगे लीगल कॉन्सेप्ट। साथियों ठीक है, अब आइए बात करते हैं लेखांकन अवधारणा की। तो लेखांकन अवधारणा के विषय में हम बहुत अच्छे से समझेंगे। सो गाइस, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं लेखांकन अवधारणा यानी कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो ख्याति की लेखांकन अवधारणा का आशय है व्यवसाय को बेचने पर जो क्रय प्रतिफल का शुद्ध संपत्तियों पर आधिक्य आता है, यानी जो हमारा अधिलाभ का सामान्य लाभ पर आधिक्य जो होता है उसको ख्याति मान लिया जाता है। सपोज कीजिए कोई व्यापारी है जिसने 10 लाख रुपए के अपने व्यापार को 12 लाख रुपए में बेच दिया है, तो ये जो 2 लाख रुपए का जो उसे अधिलाभ हुआ है ये ही उसकी ख्याति है साथियों। इस प्रकार लेखांकन में ख्याति की प्रकृति, स्वरूप एवं विचार का महत्व नहीं होता है, बल्कि इसकी विद्यमानता एवं मूल्य का महत्व होता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं आर्थिक अवधारणा की। अंग्रेजी में इसे कहेंगे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। आर्थिक अवधारणा के आधार पर दृश्य व अदृश्य संपत्तियों के सामूहिक योगदान से दृश्य यानी कि जो टेंजिबल एसेट है और अदृश्य जो इनटेंजिबल एसेट है, उन सभी के योगदान से प्राप्त होने वाला प्रतिफल ख्याति माना जाता है। अतः ख्याति को संगठन का प्रतिफल माना जाता है। साथियों, तीसरे नंबर की जो अवधारणा है इसकी, वो है कानूनी अवधारणा, इसको लीगल कॉन्सेप्ट कहेंगे। इस अवधारणा में ग्राहक की व्यापारिक स्थल पर बार बार आने की प्रवृत्ति को ख्याति की संज्ञा दी जाती है। ये क्या है, जो ग्राहक आपके व्यवसाय में बार बार आपके पास आकर के ही सामान ले रहा है, तो ये आपकी गुडविल के कारण हो रहा है। इस विचारधारा के अनुसार अधिलाभ होना आवश्यक नहीं है। नॉर्टन एम फोर्ड के अनुसार एकाधिकार की दशा में ख्याति की विद्यमानता के प्रमाण के लिए अधिक उपार्जन शक्ति होना आवश्यक नहीं होता है। तो साथियों, ये थी अकाउंटिंग में ख्याति की कॉन्सेप्ट, आपने समझा। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।